जी अस्सलाम वालेकुम। हम ट्राई कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट क्वेश्चन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट्स हैं। इनमें से मैं एक या दो आपके लिए ट्राई करता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ही है पार्ट ए, इट हैज 2, 3, -5, 6। तो इसके अंदर अगर आप देखिए ऑर्डर, ऑर्डर मैंने पहली वीडियो में जैसे आपको समझाया ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप देखें तो आपको फर्स्ट रो, सेकंड रो, सिमिलरली फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। सो दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2। तो इस मैट्रिक्स का आपके पास दो रोज हैं, दो कॉलम हैं, तो ऑर्डर हुआ 2 बाय 2। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 बाय 2। एक और ट्राई करते एच पार्ट, लास्ट पार्ट ट्राई कर लेते हैं। एच इज 2, 3, 4, 1, 0, 6। This is first column, this is second column, this is third column. Similarly, this is first row and this is second row. So, row 1, row 2, first column, second column, third column. So, order of matrix H is, order of H is 2 by 3. This is all about the order of a matrix. इतना आसान है इनका order find करना। अब ऐसे ही जैसे matrix B लिखा हुआ है, इसका order है 2 cross 2, क्योंकि इसके अंदर दो rows हैं, दो columns हैं। और matrix C लिखा हुआ है जिसके अंदर 2 and 4 first row है और दो columns हैं, so 1 by 2 is the order of C। D का है 3 columns हैं, एक row है, row पहले लिखते हैं 1 by 3। E का 2 by 3 है, F का 1 by 1 है और G का 3 by 3 है। H का मैंने आपको बता दिया जो कि आपके पास है 2 by 3। Now question number 2 is which of the following matrices are equal? तो equal matrices क्या है, इसका भी intro थोड़ा बहुत हमने किया है, अभी detail में देखते हैं। तो दो matrices तभी equal होंगे जब उनका order भी same हो और उनकी corresponding entries भी same हो, तो ऐसे matrices कहलाते हैं equal matrix। जैसे matrix A दिया है आपको 2 और matrix B दिया हो, यहाँ पे मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 3 and 5, और अगर आप इसको देखें तो मैट्रिक्स सी दिया हुआ है 5 minus 2 और मैट्रिक्स आई दिया हुआ है 3 and 3 plus 2। So, अगर हम देखें मैट्रिक्स ए 2 है, मैट्रिक्स सी को देखिए 5 minus 2 equals to 3, तो ए और सी इक्वल नहीं है। सिर्फ यही चांसेस बन सकते थे कि ए और सी इक्वल हो सके, बिकॉज इसके अंदर एक ही एंट्री है, 1 by 1 इसका ऑर्डर है और इसका ऑर्डर भी 1 by 1 है, लेकिन इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। अगर हम मैट्रिक्स बी को देखें 3, 5, इसका ऑर्डर 1 row 2 columns 1 cross 2 और 1 by 2 इज द ऑर्डर ऑफ बी। और आई मैट्रिक्स को देखें तो 1 by 2 इसका भी ऑर्डर है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक करते हैं 3, यहाँ पे भी 3 है, 5, इन दोनों को ऐड करें 3 plus 2, तो वो भी रिजल्ट देगा 5। सो बी एंड आई, बी इक्वल्स टू आई, सो मैट्रिक्स बी इक्वल टू मैट्रिक्स आई। सो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो बी है वो आई के इक्वल है इस इन ऑप्शंस के मुताबिक। इसी तरह अगर आप बाकी देखते हैं तो मैट्रिक्स जो डी है वो 5 3, तो वो इक्वल होगा आपके पास
हाँ, इसके इक्वल कोई नहीं है, और ये बिल्कुल इसी तरह आप सॉल्व करके देख लेंगे। अगर किसी और क्वेश्चन की ज़रूरत हो करने की तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और दो मैट्रिसेस के दरमियान इक्वालिटी का साइन दिया हुआ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। जब इक्वालिटी का साइन इनके अंदर है, इट मींस दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। सो इक्वल मैट्रिसेस को सॉल्व करना कैसा है वो अभी हम सीखते हैं। ए प्लस सी, ए प्लस टू बी एंड सी माइनस वन एंड फोर डी माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो माइनस सेवन थ्री टू डी। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है कि दोनों मैट्रिसेस सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन दोनों के दरमियान इक्वालिटी का साइन है, विच मीन्स के दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सेम है। सो ए प्लस सी की जगह पे दूसरे मैट्रिक्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री जीरो है, सो ए प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसी तरह ए प्लस टू बी इक्वल है माइनस सेवन के एंड सी माइनस वन इक्वल है थ्री के, फोर डी माइनस सिक्स इक्वल है टू डी के, फोर डी माइनस सिक्स इक्वल्स टू टू डी। अब बहुत ही आसान है बाकी इनको सॉल्व करना। अभी जैसे सबसे पहले हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं सी की, इनको इक्वेशंस का नाम दे देते हैं, ये वन इसे सेकंड बोल देते हैं, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, इसे थर्ड बोल देते हैं और इसे इक्वेशन फोर बोल दे देते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन थ्री को सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन थ्री, यहां से आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। सो सी माइनस वन इक्वल्स टू थ्री, सो सी माइनस वन को अगर इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास वो पॉजिटिव में हो जाएगा, थ्री प्लस वन, सो सी की वैल्यू आ गई आपके पास फोर, जो कि उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए बोला था। सी की वैल्यू निकल आई, बिल्कुल ये सी की वैल्यू अगर आप इक्वेशन टू में रखते हैं तो आपके पास वैल्यू ए मिल जाएगी, इक्वेशन वन में रखने से, सॉरी। नाउ पुटिंग सी इक्वल्स टू फोर इन टू इक्वेशन वन, जो आपके पास है ए प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, सो ए प्लस सी की जगह पे ये वैल्यू जो अभी हमने निकाली फोर रखेंगे इक्वल्स टू जीरो, और इसी तरह आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी अगर आप फोर को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ए इक्वल्स टू माइनस फोर। बिल्कुल इसी तरह अगर आप सी की वैल्यू को यूज करते हुए जैसे ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे ए की वैल्यू इक्वेशन टू में पुट करने से आपके पास वैल्यू बी की आ जाएगी और फिर डी की वैल्यू यहाँ से आप इक्वेशन फोर से फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।